Oh, that's a good one. There, on the left. हेलो एवरीवन, सो फाइनली एक नया दिन है और आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ कुछ एडवेंचर करने। तो मेरा एक कॉलीग है, उससे मैं मिल रहा हूँ आई थिंक 8 या 9 महीने के बाद, और वी थॉट इट वुडी गुड कि कैचअप करें और थोड़ा हैंग आउट करें। तो हमने एक लोकेशन चूज़ की है जिसे टॉप गोल्फ बोलते हैं। वो बेसिकली एक गोल्फिंग आई वुड नॉट से ग्राउंड है, बट इट्स मोर लाइक कि वहाँ पर आप जाके गोल्फ खेल सकते हैं। प्रॉपरली डिज़ाइन किया है अपैरेटस और एडवांस मशीनरी के साथ, इसमें कि आप अच्छे से गोल्फ खेल सकते हैं। तो वहाँ जाने का प्लान है और हमने उसकी लोकेशन चूज़ की जो शहर से बाहर है, और चेक किया तो वहाँ पे बहुत से स्लॉट्स खाली थे। तो हमने सोचा इट वुड बी गुड कि किसी से इंटरेक्शन भी नहीं होगा और थोड़ा गोल्फ भी खेलेंगे, कैचअप भी कर लेंगे। तो अभी मैं फाइनली वहाँ जा रहा हूँ और देखते हैं कैसा होता है पूरा टॉप गोल्फ का एरिया, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और सारे मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं कैसा है, चलो। तो फाइनली आफ्टर 35 मिनट्स की ड्राइव के बाद मैं फाइनली टॉप गोल्फ पहुंच गया हूं। मैं सारी डिटेल्स दिखाऊंगा और कैसे यहां पे काइंड ऑफ आर्टिफिशियल गोल्फ खेलते हैं, और बहुत ही अच्छा सेटअप है एक्चुअली, मैं पहले भी आ चुका हूं। तो अभी देखते हैं, हार्डी आई थिंक इंतजार कर रहा है, उसने मैसेज किया मुझे। तो लेट्स सी कैसा दिखता है टॉप गोल्फ और कैसी होती है हमारी गोल्फ की मिनी टूर्नामेंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने सेपरेट प्ले एरियाज़ बना रखे हैं, और कोविड की वजह से हर प्ले एरिया को इन्होंने प्लास्टिक के शीट से कवर कर रखा था ताकि ऑब्वियसली इंटरेक्शन ना हो। और ये मैं अपने पॉड में पहुंच गया और हार्डी मेरा इंतजार कर रहा है। हेलो, आई टेल यू। और हमने लेवल 1 पे बुकिंग की थी जहाँ से डेफिनेटली अच्छा व्यू आता है और शॉट्स अच्छे होते हैं। और ये 100 फीट ऊंची फेंसेस लगी हैं ताकि बॉल ऑब्वियसली हम लोग बाहर ना मार सकें। फिर उसके अलावा ये 5 आई वुड से मोर लाइक अ प्ले एरियाज थे जहाँ पे हमें बॉल डालनी है, और बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बीच वाले के सेपरेट पॉइंट, साइड वाले के सेपरेट पॉइंट, और यू नो समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये भी था कि मेरे राइट साइड में सेपरेट 10 प्ले एरियाज बने थे जहाँ से लोग साइमल्टेनियसली अलग अलग शॉट्स ले सकते हैं। सेम गोज ऑन माई लेफ्ट साइड, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अराउंड 10 एरियाज हैं। और जो प्लेयर्स खेलने रहे हैं वो रेड लाइन के पीछे रहेंगे, जो खेल रहा है वो इस ग्रीन पैड पे रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग था ये बॉल आने का मैकेनिज्म। सो ये जो गोल्फ का बैट है, इसको आप जैसे ही टच करेंगे, आई थिंक ये RFID एनेबल्ड है, और बॉल बाहर आ जाएगी जिसे आप डाल सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स बने थे जिसके थ्रू आप डिफरेंट कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के गेम सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आपका इंटरेस्ट, या आप लाइक यू नो क्विक 10 खेलना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर गेम खेलना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग यहाँ पे की जा सकती थी। फिर उसके अलावा आप देखेंगे ये डिफरेंट टाइप से गोल्फ बैट थे, मुझे एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं था कौन सा है, मैंने बस हैवी वाला चूज़ कर लिया और खेलने लगा। Come on, it's okay. Try again. Three is a good number. See? All right, there we go. So Rapids hitting the ball. Nice. It went somewhere off? No. No. That was it. Mine just went outside. Almost. Oh, that's a good one. There, on the left. Yeah, it went there.
और मज़े की बात थी हमारे आसपास प्रो गोल्फर्स थे जिनको देख के हमें थोड़ी शर्म आ रही थी, बट ठीक है, हमने फ़न किया और उनके शॉट्स को भी इन्जॉय किया। इसके बाद मैंने और हार्डी ने आराम से अपना टाइम लिया, हमने अलग अलग टाइप के गेम्स खेले, अपनी अपनी टर्न्स पे आराम से बॉल्स मारी। मैंने क्रिकेट खेला तो डेफिनेटली मेरे पास एडवांटेज था, बट हार्डी स्ट्रगल कर रहा था, बट इट वॉज क्वाइट फन। हम दोनों ने कुछ नई चीज़ें सीखी, दोनों का फर्स्ट सेकेंड टाइम था, तो यू नो इट वॉज फन डेफिनेटली, और कैचअप किया। अब इसके साथ इंटरेस्टिंग बात आती है कि बॉल्स जो हमने मारी ये गई कहाँ और ये वापस कैसे आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो जो नीचे छोटी सी गाड़ी है ये घूमती रहती है और सारे बॉल्स इकट्ठे करती रहती है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये वो घूम रही है और सारे बॉल्स इकट्ठे कर रही है। क्रिकेट के बल्ले के बाद गोल्फ का बल्ला बहुत मज़ेदार था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।